गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे घर की धुलाई हो रही है, देखिए आज सफाई हो रही है। आज हमको लेबर भी मिल गए हैं बहुत दिनों के बाद। हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और आज ये हमको मिल गए हैं, तो आज हम पूरी सफाई कर लेंगे साथ में मिलके। तो पाइप हमने बिछा दिया है और अभी धुलाई होगी। आप सभी लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। चलिए हम आपको अंदर भी दिखा देते हैं कि कितनी यहाँ धूल गर्दा पड़ी हुई है, मिट्टी है बहुत सारी। ये देखिए, ये बिजली का जो पाइप डाला गया है इस, तो झेरी कटी थी तो ये सारा ईंटा यहाँ फैला हुआ है नीचे। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने बहुत सफाई की है लेकिन नहीं साफ हुआ है। और आज हम धुलाई कर देंगे इसकी, तो ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा सब। कहीं ये रेड रेड कलर का, ये वही ईंटा जो है घिसा हुआ, वही सब पड़ा हुआ है। पूरा गंदा हो रखा है फर्श यहाँ का, तो फर्श की ही हम सफाई करेंगे सिर्फ, ताकि पैरों में मिट्टी ना लगे, क्योंकि ऊपर आना जाना रहता है और वही मिट्टी नीचे जाती है तो नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए हम ऊपर की पूरी सफाई कर देंगे आज। गमले भी सारे सेट हो गए हैं। देखिए कितना सामान फैला है, बहुत सारा सामान फैला हुआ है सब। बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में भी थे कि कैसे हम अकेले इतना सारा काम कर पाएंगे, लेकिन फाइनली आज हमारे घर की पूरी तरह से आज धुलाई भी हुई जा रही है और पूरे घर की सफाई भी आज हुई जा रही है। हमको आज पूरी तरह से फुर्सत मिल जाएगी काम से तो दोस्तों नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ घर की साफ सफाई से हमको आज पूरी तरह से फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि आज हमें लेबर बहुत ही जल्दी आसानी से मिल गए हैं। हमको पता ही नहीं था कि ये आज आएंगे, अचानक से ये आ गए हैं, तो हमने सोचा कि मौका हाथ से नहीं जाने दें, क्यों ना हम इनको आज काम पे लगा लें। और हमने लगा लिया दोस्तों। देखिए कितना सारा सामान था नीचे जो पड़ा हुआ था, क्योंकि घर बनने का काम चल रहा था तो बहुत सारा सामान था जो कि कबाड़ी को देना था। अभी ये सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है और कल हम इसको दे देंगे। बहुत सारी रद्दी भी निकली है, कॉपी किताबें बहुत सारी थी, वो सब हमने निकाल लिया है। पूरी तरह से हमने सब खाली कर लिया है। जो भी सामान था रैकों में, जो भी रखा था सामान हटाने वाला, वो सब हमने हटा लिया है। और ऊपर के जो कमरे थे हमारे, ऊपर की जो हमारा काम चल रहा था, वो भी सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है। जो भी हटाने वाला सामान है आज वो हटा लेंगे, पूरा आज हम साफ कर लेंगे। हमें रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर ही पर थे, संडे था आज, तो संडे पे आज हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारा आज काम बहुत हल्का हो गया और अचानक से आ गया था चने वाला, चना बेचने, तो हमने चने खरीदे हैं दोस्तों और चने खा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये समझिए कि एक साल के बाद हम आज चने खा रहे हैं। हमने आज पहले दिन चने खाए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे छत के ऊपर पाइप लग चुका है और अब धुलाई भी शुरू हो गई है, क्योंकि धुलाई होने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। हम आपको बता नहीं सकते, पूरा हमारा जो फर्श है ऊपर का पूरा रेड रेड फर्श है, क्योंकि यहाँ पर वायरिंग हुई थी, लाइट का काम हो रहा था, तो इन लोगों ने ईंटें काट दिए हैं मशीन से, तो वही ईंटें पूरे फर्श पे फैले हुए हैं। ईंटों की वजह से बिल्कुल सफाई हो ही नहीं पा रही थी। झाड़ू जितना लगाते थे उतना ही वो रेड रेड उड़ उड़ के आता था, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। जब भी झाड़ू लगाने चलते थे तो छींके बहुत ज़्यादा आने लगती थी, तो अकेले कर पाना बहुत मुश्किल था। हम 3-4 दिनों से लगे थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज पूरा हो जाएगा काम हमारा ख़त्म। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से हमारा जो ऊपर की सफाई होनी थी वो आज ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, पानी कितना रेड रेड दिखाई दे रहा है। ये सारा ईंटा है घिसा हुआ, वही सारा निकल रहा है। हमें एक बार में नहीं, 2-3 बार इसकी धुलाई करनी पड़ेगी, तभी ये ईंटा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा
मिट्टी है, धूल है, तो एक बार में नहीं साफ हो रहा है। बार बार इसको हम पानी पीछे से डाल रहे हैं और आगे से झाड़ू लगाई जा रही है। दोस्तों अब कुछ हमारी फर्श दिखाई देने लगी है, अपने रंग में आ गई है, क्योंकि ये अभी एक हफ्ते से पूरी रेड रेड ही दिखाई दे रही थी। सीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा सीमेंट पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मसाला फैला हुआ है, ईंटे भी थे, गिट्टी भी पड़ी थी जो कि पैर में कुछ जाती थी। तो आज सब साफ हो जाएगा, सीढ़ियों की भी धुलाई हो जाएगी, हमारे जीने अच्छे से धुल दिए जाएंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, कहीं भी मिट्टी नहीं रह पाएगी। क्योंकि ऊपर मिट्टी रहती थी तो नीचे हम चाहे जितना साफ करें, नीचे का बहुत गंदा होता था। जो लोग ऊपर आते थे और नीचे जाते थे, वही धूल पैरों से नीचे जाती थी। अब पूरा साफ हो जाएगा तो नीचे का भी अच्छे से साफ रहेगा, जैसे हम साफ कर देंगे वैसे ही रहेगा। ऊपर गंदगी होने की वजह से पूरा घर हमारा गंदा होता था, लेकिन आज से गंदा नहीं होगा, क्योंकि आज पूरे घर की धुलाई हो रही है, पूरी सफाई हो रही है। जितना भी बेकार सामान है हम सब बाहर निकाल देंगे, सारा कूड़ा घर से बाहर हो जाएगा। अभी होली के 3-4 दिन हैं और हमने 3-4 दिन पहले ही अपने काम खत्म कर लिए हैं। अब हमको कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा साफ सफाई का। हमारा नीचे का भी पूरा काम हो जाएगा आज, क्योंकि अभी टाइम बहुत है और 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे हमारी ऊपर की धुलाई हो रही है और 1 घंटे में ये लगभग धुलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद समय अभी रह जाएगा, अभी अंधेरा नहीं होगा, तो अभी हम नीचे की भी धुलाई कर लेंगे। एक ही दिन में हमारा ऊपर नीचे का काम खत्म हो जाएगा। आज संडे का दिन था, हस्बैंड हमारे आज बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज यही पूरा दिन काम करते रहे हैं। जो हमारा लेबर लगा हुआ था उसके साथ ये आज पूरा दिन से लगे हुए हैं, उसके साथ साथ ये भी काम करवा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरे घर में इन्होंने ही पाइप दिखाया है और लेबर ने झाड़ू लगाई है। जो भी सामान निकला था तो ये दोनों लोगों ने मिलके ही किया है, तो आज इन्होंने बहुत काम किया है। पूरा संडे इनका आज काम करते करते ही बीता है, वैसे भी हर दिन ये काम ही करते हैं और संडे के दिन भी इनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है। दोस्तों तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह की धुलाई कर ली है। ये देखिए हमारा नीचे का पोर्शन है, ये भी पूरा साफ हो गया है, धुल गया है, बस सामान सेट करना रह गया है। तो इसको हम धीरे धीरे से सेट कर लेंगे, काफ़ी हल्का हो गया है हमारे लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर